हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो मैं किचन पर आ गई सुबह सुबह नाश्ता बनाने। तो यहाँ पर ये देखिए, पूरी बनाने की तैयारी चल रही है और मामा का बच्चा वहाँ में सुबह सुबह खाना खा रहा है। तो मैं ये दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, वहाँ से उसका टीवी का साउंड बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। तो मैं बनाऊंगी पूरी आज मामी हम लोग के लिए। तो मामी तो कुछ खाता नहीं आजकल, सब कुछ छोड़ दिया। मतलब वो दाल अच्छा ना, मतलब कुछ नहीं खाता, ना आलू खाता है। तो घर में पूरी के लिए सब्जी नहीं है, मामी जो खाते वो नहीं है। तो मामी को तो ऐसे प्लेन पूरी पसंद है चाय के साथ, तो आज हम वही करेंगे। सिंपल पूरी बनाएंगे और चाय का साथ खाएंगे पूरी को। तो बनाना शुरू करते हैं पूरी दोस्तों। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। ये मैंने पूरी बेल ली है, अब इसमें डालते हैं ये मेरा गर्मा गर्म पूरी। ये देखिए गाइस, बहुत अच्छे से खुल गया। इसे खाएंगे हम लोग गर्मा गर्म चाय के साथ। मैंने तो दूध के साथ में खाऊंगी, मम्मी को चाय बना दूंगी मैं और ओइन बहन दूध के साथ वही खाएंगे। ऐसा जब गर्मा गर्म पूरी बनता है ना, और ऐसा पूरी टाइप की सब्जी की जरूरत ही नहीं होती, हम लोग ऐसे भी खा लेते हैं। वो फिनिश कर दिया पूज को, चेंज ना मैं दी मम्मा का वो गैस देखो, मम्मा का बच्चा फिनिश कर दिया। क्या हो गया, गर्मा गर्म पूरी क्यों नहीं फूल रहे हैं दोस्तों। तो गैस मेरा पूरी भी ऑलमोस्ट बन चुका है, के बाद में चाय बना दूंगी मम्मी के लिए और इन बहन हम दोनों के लिए दूध गर्म करते हैं। पता नहीं दूध पीते हैं कि नहीं पीते, पहले पूछ लेती हूँ उससे। किसी किसी को दूध, गाय का दूध पसंद नहीं होता है, तो उसका घन आता है बोल के। मैं भी बचपन में पसंद नहीं करती थी, आजकल पीने लग गई हूँ। सभी बच्चों को ऐसे होते दूध पसंद नहीं होते, मेरा बच्चा को भी, याया को भी दूध पसंद नहीं है। तो ये देखिए गाइस, मेरा पूरी बन के रेडी हो चुका है। मैं अभी चाय बनाती हूँ। इधर आता हूँ दीदी, आप दोनों आओ, तो दोनों आओ, आप दोनों खेल रहा है, पर भी इधर थोड़ा आओ आओ जल्दी। गाइस आप खेल रहा था, दूध पीता है तुम, पीता है ना। तब तो हम दोनों के लिए दूध, ये मम्मी के लिए चाय। दो इसको, ये आप ले जाओ, इसको उधर खाएगा हम लोग, आप उसको ले जाओ। ओइन दीदी ये चाय ले जाएगा, उसको ले जाओ, वो मत गिराओ रे। वाह दादी को उधर रख दो, ओइन तुम ये चाय, मम्मी का चाय ले जाओ, उसका वो और शुगर फ्री डाल के। ये दादी का चाय, ये ओइन दीदी और मामा दूध पिएगा, आप दूध पिएगा। थैंक यू। और दादी का है प्लेट, दादी को होस्टेस ला दिया है। होस्टेस में कौन खाते, ऐसे प्लेट दो ना दादी को भी। नहीं बहुत बड़ा लादी दादी, आप भर रहे हो इसलिए आपको बड़ा ला दिया। ये अपना दादी को होस्टेस में कहा बोल रहे हैं। चेन्नई मम्मा का हुआ, दादी बहुत बड़ा है इसलिए आप दादी को बड़ा ला ला दिया है। ये वो क्या खाएगा, और ओइन दीदी चलता है, ओइन दीदी को ये बाटी ला दिया है और मम्मा को ये प्लेट, ओइन दीदी से बड़ा है तो ना। बाप रे बाप, दादी का बहुत बड़ा है। वाह इसका तो खाना खा लिया, वो क्या खाएगा, खाना खाए ना मम्मी पूरा अंडा मम्मा ब्रोकली का साथ मम्मा का बच्चा खाए। यू क्या खुजली कर रहे हैं, अभी नहाएगा, आज हम दोनों का नहाने का दिन है। यही भी नहाएगा, मामा भी नहाएगा, पहले ऑयलिंग कर लेगा। ओइन दीदी तुम भी नहाओ, यही भी नहाएगा, मामा भी नहाएगा, इसको खा पी के सब नहाएगा। क्यों नहीं नहाना है, अभी हम सब खा पी के नहाएगा ना। देखो दादी तो नहा भी लिया, अभी हम लोग भी खा के तेल मालिश करके ऑयलिंग करके नहाएगा। ओके देखो आज धूप भी हल्का हल्का निकला है, ओइन को तब तो ऑयलिंग कराना पड़ेगा। हो गया ओइन, अभी तेल ऑयलिंग करते हैं, पिकल तो थोड़ा सा है, हो जाएगा इससे, हो जाएगा। करनी तो आता है ना, अच्छे से करो। हाँ
उधर फेंक के बेटा तुम भी नहाओ। हाँ अभी हम भी स्कोइलिंग करके अभी नहाएगा। ऐसा नहीं ना, रुको ऐसा मत लगाओ, ऐसा ये हाथ में ऐसा लेके ना ऐसे ऐसे बीच बीच में लगाओ। लगाने आते है कि नहीं आते? तुमको कौन सिखाया है? ऐसे ऐसे तरह तरह बीच बीच में लगाओ, इसके बाद में ऐसे करने, तुम हाथ में ऐसे ऐसे करते तरह तरह सब तेरा हाथ में आ जाएगा। नहा लेगा वो, इन भी नहाओ, ठंडा लगने से गर्म पानी करके नहाओ। सुने आज तो इतना बढ़िया धूप भी निकला, इतना ठंडा भी नहीं होगा। दूसरा दिन तो पासीघाट में इतना ठंडा होता है, मम्मी तो पूरा ठंडा लग गया, हो गया अंदर में ब्लैंकेट में घुस गया, धूप में अभी बैठ रहा था, वीडियो बनाना शुरू कर दिया तो इनका मम्मी भाग गया अंदर। ऐसे लेके हाँ स्किन में ऐसा लगाने, उसके बाद में मसाज करने, ऐसे करने नहीं तो तेरा जैसे लगाने से तो सब तेल तो बाल का ऊपर ही रहेगा। ऐसे ऐसे चूल में नहीं लगना, ये स्किन जो दिखाई दे रहा है ना मीट में, मीट में ऐसे तेल को लगाना है, तब ना तेरा वो चूल वूल गिरने ला भी, जो जो कुछ कुछ चूल भी उगेगा नहीं तो। ये आगे का हम जो दिखाई दे रहा है उसको कर लेगा, पीछे का तुम अच्छा से लगाओ। हाँ ऑयलिंग करके अभी एक घंटा रखना पड़ेगा हमको, एक घंटा रख के उसका बाद नहाएगा। अभी ऑयलिंग करा के याया को नहा लेगा, वो गर्म पानी भी बिताना ही भूल गया बिताना था। तो गाइस ओइन बहन से मैं अपने हेयर ऑयलिंग करा के मैं डायरेक्ट किचन पे आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बना ही चुका है। ये देखिए यहाँ पर मेरी राइस बन रहे हैं, और यहाँ पर ये ग्रीन वेजिटेबल जो कि ये वाइल्ड वेजिटेबल है, जो कि खुद उगता नहीं, ये जंगल में खुद इसको उगाया नहीं जाता, ये जंगल में खुद उगता है। अरे ये लड़का कहाँ से यहाँ भी आ गया, अभी नहाना है, मामा गर्म पानी भी कर दिया है। देखो देखो उसका ओइन दीदी वो दोनों कैसे खेल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने बनाए हैं मिक्स वेजिटेबल फ्राई, तो इसे वेजिटेबल ये ग्रीन वेज को पका के, और ये मेरा राइस तो हो गया, और मैं एक सीटी बजने से मैं इसे बंद कर दूंगी, उसके बाद बच्चा को नहलाऊंगी, खुद भी नहाऊंगी, इसके बाद हम लोग लंच करेंगे। तो ये तो सीटी बज गई तो इसे भी बंद कर देती हूँ, अब बस ये पकना बाकी है। बाप रे बाप, ये दोनों कैसे खेल रहे हैं, नहाना है अभी तक। देखो ओइन दीदी भी नहीं नहाया, अभी मामा आपको नहलाएगा। ओके मामा खाना पहले बनाएगा, उसके बाद नहाएगा, उसके बाद पढ़ेगा, उसके बाद ट्यूशन जाएगा। ओके ट्यूशन जाना है, देखो देखो ट्यूशन किए तो कैसे कर रही है लड़का। नो नो यू हैव टू गो टू ट्यूशन। आइए अब फिर नहा धो के इधर खेलने आ गया, गंदा हो जाएगा ना, नहाने का क्या फायदा है, अभी ट्यूशन भी जाना है ही। उन दीदी भी नहा रहे, नहा के हो गया होगा। देखो गाइस मामा भी नहा लिए, पूरा फ्रेश हो गया मामा भी, अभी नहा लिए तो खाना खाएगा, मम्मी भी भूख लग रही होगी, पहले से हम लोग को ही रुक रहे हैं। तो यही अंदर जाएगा, उन दीदी भी नहा के हो गया, उन दीदी को देख के आएगा। उन दीदी भी साफा साफा हो गया होगा नहा के, देखो मामा का बच्चा भी इतना फ्रेश, मामा भी फ्रेश गाइस नहा धो के, दादी भी प्रेस है। कहा है ओइन दीदी? ओइन दीदी चल 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 खाना खाएगा। ये देखो ओइन दीदी भी इतना सफा लग रहे हैं नहा के, वाह अभी सुंदर लग रहा है ओइन दीदी, पुराना पुराना दिख के सफा हो गया अभी, उसको ऐसे पसंद है। चल चल हम अभी खाना खाएगा, सब भूख लग गया, माँ आयो भी दादी भी भूख लग गया, चल चल वो सुबह खाना खा के उसको इतना भूख नहीं लग रहा, वो सुबह भी खाए थे। आओ आओ सब, दादी भी भूख लग रहा है, ओइन दीदी को भी बहुत भूख लग रहा है, चल चल बटर मम्मा आलू ब्रेड, ओ बटर मम्मा आलू। ट्यूशन बैग से कॉपी किताब नहीं निकल गए, चिप्स केक से निकल रहे। दादी उसको नहीं खाता है ना, वो मीठा है। ये मैं ये
आपका ये वो कॉपी को भी निकालो, देखिएगा मम्मा चेक करेगा ट्यूशन दीदी आज क्या क्या पढ़ाया है आपको। बेग को दो हमको, मामा को दो, तो निकालो कॉपी को निकालो तो देखता है क्या क्या पढ़ाया है ट्यूशन दीदी आज। वो क्या है, क्या क्या है मम्मी को भी पसी गर्मी का साथ है कि तंदा लग रहा है जो कभी आदमी तंदा नहीं लगता है बोलने ले यहाँ में आके तंदा तंदा बोल वैसे उस दिन से ठंडा हो रहे हैं, ठंडा हो रहे हैं आपको तो कभी इतना ठंडा ठंडा नहीं सुनते क्या कर रहे हैं आप दोनों फिर से? फिर से खेल रहा है, इसको आज नहीं खाएगा ना, कल सुबह खाएगा हम लोग ये सबको। अभी कल हम लोग इसको दादी और दीदी को भी पूरा खिलाएगा जाल, ये स्पाइसी रामन नूडल्स खिला के देखिएगा ना, ये स्पाइसी हॉट चिकन फ्लेवर रामन खिलाएगा। अरे इसको जल्दी फिनिश करो, इसको खत्म करो, खाओ ना मामा, इसको देखा है ना इतना दाम है, तो मामा लेने देना ही नहीं था, ये सब खाता नहीं है, 100 रुपीज है इसका, बाप रे बाप इतना छोटा सा, ऐसा मत बजाओ आपको निकल दिया। यहाँ से खाए तुम, यार मामा एक खाएगा, ये ऐसा मत बजाना, ये गाइस लोग का कान फटने वाला है। अब वन टू थ्री ट्यूशन में क्या क्या किया बोला तो बताओ तो, ट्यूशन में क्या क्या किया पढ़ाई, क्या 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 पढ़ा बताओ तो। ये सब मैगी को इधर डाल के रखते हैं, कल सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट में ये इसको मैगी खाना पड़ेगा। हाँ उसको रख दो, मैगी को भी घुसा के रख दो। ये इधर कल आ गया, मामा भागना पड़ेगा, मामा भागना पड़ेगा। खिड़की उड़की सब खुला पड़ा हुआ, ये सबको बंद कर लेती हूँ, ठंडा है आज भी, क्लाउडी वेदर था, क्या करेगा, ठंडा है तो ठंडा बोलना ही पड़ेंगे मुझे। थोड़ा खंगी मार लेती हूँ, दिन से मैंने नहा के बाल को खंगी नहीं किया, आजकल मैं डेली ऑयलिंग कर रही हूँ, मेरा बाल झड़ना बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, 90% पर कम हो गया, आजकल तो गिरते हैं देखो, अभी भी मैंने ऐसे खंगी मार लिया पूरा, देखो एक भी बाल नहीं गिरा है मेरा, तो मैं आजकल बहुत ही खुश हूँ मेरा बाल का वजह से। ये देखिए गाइस, ये देखिए एक भी बाल नहीं गिरा, तो इसलिए मैं आजकल आप लोग तो देखते ही हैं डेली एक दो दिन करके मैं अपने हेयर पर ऑयल करती हूँ, और आप लोग सिर्फ मेरे वीडियो को प्लीज देखिए मत, लाइक और कमेंट भी करना ना बोले, ये लड़का फिर इधर आ गया क्या बोलने आया है, देखो क्या खा रहे हैं, ये मिठाई मत खाइए, मामा भी ओनली वन खा के देखिएगा, बहुत मिठाई मजा नहीं है। गाइस देखो ये ओइन दीदी लोग है तो अभी ऐसा खेल रहे, कल तो ओइन दीदी लोग जाएगा बोलते, जाने से ये लड़का का क्या होगा, दिन रात सुबह शाम ओइन दीदी का साथ खेलते है रहिए, अब खेल रहे हैं ओइन दीदी का साथ, और अभी अब ठंडा लग रहा है क्योंकि आग भी जला के बैठ गया, हम तो ग्रीन टी, अब चाय पी लिया ना, हम ग्रीन टी बना के पिएगा, खेलते रहो आप लोग, अभी थोड़ा खेल के जल्दी अंदर घुसने हैं, आप अपने तो पसीना पसीना हो जाएगा, आज दिन का नहाने का कोई फायदा नहीं होगा तो मम्मा चाय बनाने जा रहे हो, खुद के लिए ग्रीन टी बना के पिएगी, मम्मी तो अभी अभी जस्ट मैंने बच्चा को जब ट्यूशन से लेके आए तो वो पी रही थी, जो मेरा डेली ब्लॉग देखते हो उसमें तो मैं रोज बोलती हूँ बहुत ठंडा है पासीघाट, बहुत ठंडा है, धूप दिन से इतना ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ बारिश और क्लाउडी वेदर से बहुत ठंडा है, अभी देखो मम्मी भी यहाँ पे कल से आके ठंडा है बॉर्डर पर जैकेट देखो, अभी लास्ट वो बाहर में आग जला के बैठ रही है, पूरे यहाँ में ठंडा है, रात को भी वो 2-3 कंबल और केस होते होते, ईटानगर निर्जुली में तो इतना ठंडा नहीं था, वही बोल रही है मम्मा और मम्मी, तो मैं अपने लिए ग्रीन टी बना के पीती हूँ, और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोग को एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।